हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल ओमनी हैशटैग पॉजिटिविटी। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण जो कि भारतीय देवताओं में सबसे प्रिय देवता हैं। कृष्ण जी का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे अपने माता देवकी और पिता वासुदेव के 8वें संतान थे। आज मैं हिंदू धर्म के इस त्यौहार के बारे में बात करूंगी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हिंदू चंद्र कैलेंडर के भादव महीने की अष्टमी के दिन हुआ था। यह हिंदू धर्म के वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक त्रासदी में बंधा हुआ है, जहाँ उनके पिता वासुदेव को उन्हें यशोदा और नंद को सौंपने के लिए यमुना नदी पार करनी पड़ी, जो उनके पालक माता पिता थे। यह एक सुंदर दिव्य यात्रा की शुरुआत थी। उन्हें कंस को मारने की भविष्यवाणी की गई थी। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन काल में कई असुरों तथा कंस का वध किया, जो पृथ्वी पर कहर बरसा रहे थे, अराजकता फैला रहे थे। आज के दिन उत्सव में भगवान कृष्ण की बाल लीला, उनकी स्तुति में भजन कीर्तन और प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। भक्त अपने घरों को सजाते हैं, कृष्ण जी के पैरों का निशान भी बनाते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव का जश्न मनाने के लिए रासलीला, नृत्य नाटक, दही हांडी आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र में दही हांडी का आयोजन बहुत ही जोरों शोरों से किया जाता है। इसके अंतर्गत दही और मक्खन से भरा मिट्टी का बर्तन ऊंचाई पर लटकाया जाता है और उसे फोड़ने के लिए सब लोग पिरामिड का शेप बनाकर एक दूसरे पर चढ़ते हैं तथा मटकी फोड़ आनंद उठाते हैं। यह माना जाता है कि कृष्ण भगवान को दही और मक्खन बहुत पसंद था। आज का दिन बच्चों के लिए हर्षोल्लास का होता है। आज के दिन कई बच्चे राधा तथा कृष्ण के रूप में तैयार होते हैं और उत्सव मनाते हैं और कृष्ण भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ गांव वालों का मक्खन चुरा कर खाते थे। कृष्ण गोपियों के साथ खूब रासलीला करते थे, परंतु राधा उनकी बंसी की धुन में रम जाती थी। कृष्ण जी ने गांव वालों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। बड़े होकर उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया और अपने माता पिता को जेल की बेड़ियों से मुक्त कराया। उनके नाम पर मित्रता की मिसाल दी जाती है। वे द्वारकाधीश बनने के बाद भी अपने गरीब मित्र सुदामा को नहीं भूले। सुदामा जब उनसे मिलने आए तो उन्होंने उनका तहे दिल से स्वागत किया और उनके चरण कमल को अपने अश्रुओं से धोया। महाभारत के युद्ध में भी पांडवों को विजयी बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, बिना श्री कृष्ण के इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है हमारा। हम शब्द हैं श्री कृष्ण के और वे स्वयं हमारे शब्दों के अर्थ हैं। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।